यूज़ करेगा। इसी तरह जो सामने का हिस्सा है, जो बैंक ऑफ पंजाब बना हुआ है, जो EBL बना हुआ है, इस हिस्से पर भी जो है रोड को चौड़ा किया जाएगा और जो राहदारी को दुकानें इन लोगों ने घेरी हुई हैं उस राहदारी को खाली करवा के पेडेस्ट्रियन वे बनाया जाएगा और साथ साथ गाड़ियों का रास्ता बनाया जाएगा। तो ये अपडेट है कराची करीमाबाद की जो कि मैं लेके आया हूँ। पहला मरहला आप देख सकते हैं, पहले मरहले का 30% काम हो चुका है, जिसमें साइडों में दीवारें बनना और बेसमेंट बनना शामिल है। आपको मैं आगे से दिखाता हूँ, जो 30% काम हुआ है पहले मरहले का वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि जो दीवारें, इस तरह दीवारें बन रही हैं और बाकी दीवारों को भी भरा जाएगा सीमेंट से, और जो ये गैप है इस गैप को जो है ख़त्म किया जाएगा। और इस तरह जो है, जिस तरह मिट्टी की डली हुई है, इस तरह मिट्टी डाली जाएगी और मिट्टी डालने के बाद जो है ये पूरा जो है रास्ता जो है ये इस तरह मिट्टी डाल के भरा जाएगा। आप देख सकते हैं ये मिट्टी डली हुई है और ये पूरा रास्ता नीचे जा रहा है, और इस मिट्टी डलने के बाद ये होगा रोड जो है काफ़ी चौड़ा हो जाएगा। आप देख सकते हैं, तो ये अपडेट है जो कि मैं दिखा रहा हूँ, और यहाँ आपको बताना चलूँगा मैं कि कराची करीमाबाद की अपडेट है। क्या आपको मालूम है पाकिस्तान 70 से पहले कि वो मुल्क था जो कि भारत से लेकर और इसके अलावा जो अफगानिस्तान है और इवन के दुबई, इनसे अच्छी करेंसी इसकी हुआ करती थी। ये वो मुल्क है जब ये अपनी इक्तदार में आया और 1947 14 अगस्त को जब ये तख्लीक पाया, तो ये वो है मुल्क जिसने जर्मन को अपना लोन दिया था, जर्मन के साथ साथ जर्मनी के साथ साथ दुबई की जो पहली फ्लाइट चलती है एमिरेट्स की, उसको जो है पाकिस्तान खासतौर पर PIA ने हेल्प आउट किया था, और लोग जो है बाकायदा पाकिस्तान आते थे बिज़नेस सीखने के लिए। तो अभी के दिन, कभी के दिन बड़े कभी की रात, यकीनन पाकिस्तान थोड़ा सा परेशानियों में, मगर ये बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान जो है बना है तरक्की करने के लिए, और जो पाकिस्तान का जो, अगर मैं जियोग्राफिकल लोकेशन की बात करूँ तो इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है कि मैं माजरत चाहता हूँ, थोड़ी सी कफिंग हो रही है। तो पाकिस्तान के जो जियोग्राफिकल लोकेशन की इम्पोर्टेंस ऐसी है कि चाहे वो ईरान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे इराक हो, हम सबकी ज़रूरत है, और यकीन हम पड़ोसी मुल्क के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं और अच्छा रहने की कोशिश करते हैं, मगर हमारे अच्छेपन को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए, और हम सब के रिस्पेक्ट करते हैं। इवन के जो पाकिस्तान में हमारे लोग हैं, जो कि हमारे जो हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं, हमारे क्रिश्चियन भाई हैं, इन सबको हम साथ लेके चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे आबा अजदाद ने जो कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए, वो कुर्बानी कभी जाएगा नहीं जाएगी, और इंशाल्लाह ताला तरक्की करेगा पाकिस्तान। तो ये अपडेट है पाकिस्तान के हवाले से। यकीनन आप पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि मैं इस तरह की बात क्यों कर रहा हूँ। तो मैं नवीन सिंह जो इन्होंने बोला है कि भाई क्या फ़ायदा करना, तुमको चोरी ही है और मांगना भी है, तो भाई हर कोई जो है IMF से या बाकी जगहों से लोन लेता है और अपने जो है चीज़ें चलाता है और मामला चल रहे होते हैं, कुछ की चीज़ें आया हो जाती, कुछ की चीज़ें चल आया नहीं होती। तो पाकिस्तान का मामला ऐसा है कि कहते हैं ना कि अंधेरे के बाद जो है रोशनी आती है, तो कभी के दिन बड़े कभी की रात, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान भी तरक्की करेगा और पाकिस्तान के जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं वो भी तरक्की करेंगे। तो बस तरक्की जब पाए तकमील तक पहुँचेगी, जब हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं वो अपने आप को खलीफा ना समझें, साथ लेके चलेंगे तो एक खत्ता बहुत ऊपर जाएगा, साथ लेके नहीं जाएंगे तो खत्ता जो है यकीनन डाउनफॉल की तरफ जाएगा। तो ये है पाकिस्तान के हवाले से बात जो मैं कर रहा था। यकीनन किसी को गिरा गुजरी हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, मगर बात है सच्ची और सच है, और ऐसा है कि ये ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको तस्लीम करना पड़ेगा को। तो एक बार नारा लगा दें, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद, जियो पाकिस्तान, जियो पाकिस्तानियों। और जो पाकिस्तान के चुप चिंतक हैं, जो कि पाकिस्तान के वेल विशर हैं, उन सबको हम अप्रिशिएट करते हैं, उनके लिए भी दुआ गो हैं कि आप किसी भी कंट्री से पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं तो हम आप कोशिश करते हैं
ہم بھی یہی دعا کریں گے آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کامیاب کرے اور آپ کے ملک کو بھی جو ہے وہ شاد و آباد رکھے، مگر پاکستان سب سے پہلے ہمارے